जवान मूवी में शाहरुख खान ने कमाल कर दिया। एक डूबते हुए बॉलीवुड की कश्ती सिर्फ बचाएगी नहीं बल्कि पार लगा दी। एक राजा के अपनी प्रजा को भले डूबते हुए देख सकता है, इसीलिए शायद उनको किंग खान कहते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन से पूरी बॉलीवुड को वापस जिंदा कर दिया। 57 की एज में खुद को एक लवर बॉय की इमेज से बैडएस एक्शन हीरो में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक ही साल में पठान और जवान को लाकर पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया कि पिक्चर तो बॉस अभी शुरू हुई है। 57 की एज में शाहरुख खान 37 के सिर्फ लग ही नहीं रहे हैं, वो फील भी कर रहे हैं। अपने स्टंट्स खुद करना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स शूट करना और जबरदस्त एनर्जी से भरे डांस नंबर्स खुद ही शूट करना, ये सब इसी बात के सबूत है। और ये अपनी एज से कम दिखने वाले अकेले सेलिब्रिटी नहीं है। आप अनिल कपूर को देखिए, 67 की एज में वो 27 के लड़कों से ज्यादा फिट हैं। पुशअप्स के कंपटीशन में वो फिटनेस ट्रेनर्स को भी हरा चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 10 सीक्रेट्स जिससे आप हमेशा यंग दिखेंगे और एनर्जेटिक फील करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस और करियर दोनों ही स्काई रॉकेट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि सीक्रेट नंबर 9 मेरा पर्सनल फेवरेट है। बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आप हमारा लाइफ चेंजिंग कॉन्टेंट कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। जवान लगना तो मुश्किल नहीं है, जवान दिखना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है तो आपका वो बर्निंग डिजायर, आपका वो कमिटमेंट जो उस लेवल तक आपको ले जाए जहां से आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाए। मुश्किल होता है तो रोज एक डिसिप्लिन के साथ अपना ख्याल रखना। बढ़ते हुए वक्त या उम्र को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन किसी भी उम्र में आप अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन कैसे दिखें और महसूस भी करें ये आप जरूर डिसाइड कर सकते हैं। तो 57 में आपको 37 दिखना है या 77 दिखना है, ये आप डिसाइड करिए। तो जवान दिखने का सबसे पहला सीक्रेट है स्किन केयर। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपकी एज का अंदाजा सबसे पहले आपकी स्किन से होता है। स्किन में जितने रिंकल्स और हाइपरपिगमेंटेशन होते हैं उतना ज्यादा आप एज्ड लगते हैं। इसके लिए हैक नंबर 1 है रेटिनॉल। आप कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट की रेकमेंडेड रेटिनॉल बेस क्रीम यूज करिए। इसे हमेशा रात को सोने से पहले लगाइए और मॉर्निंग में फेस वॉश कर लिए। रेटिनॉल विटामिन ए का डेरिवेटिव फॉर्म होता है जो स्किन के सेल टर्नओवर रेट को बढ़ाता है, स्किन के सरफेस पर पुराने सेल्स को कुछ ही दिनों में हटा देता है और ग्लोइंग स्किन देता है। बट इससे अगर आपको रैशेज या रेडनेस हो तो इसका यूज फॉरन डिसकंटिन्यू कर दिए और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। हैक नंबर 2 है रोज मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन भी जरूर यूज करिए। धूप में यूवी रेज होती हैं जिससे आपके स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन और रिंकल्स भर जाते हैं। सनस्क्रीन आपको इस डैमेज से बचाता है और मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल रखता है। आपकी स्किन जितनी सॉफ्ट होगी उतने ही रिंकल्स कम पड़ेंगे। दूसरा सीक्रेट है फ्रूट्स एंड सैलेड्स। काफी सारे सेलिब्रिटीज शूटिंग के दौरान सिर्फ फ्रूट चाट और सैलेड्स खाते हैं। फ्रूट्स और सैलेड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो उनके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और उनको एनर्जेटिक रखते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, अगर उस पर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसे चेक करिएगा। तो फ्रूट्स और सैलेड्स हमेशा अपने खाने से 1 घंटे पहले खाइए, इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तीसरा सीक्रेट है फिजिकली एक्टिव रहना। देखिए, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर इंडिया की आबादी 150 करोड़ है तो पूरे 150 करोड़ लोग आपको हर सुबह जिम में दिखेंगे या पार्क्स में जॉगिंग करते हुए दिखेंगे। बट जरूरी ये है कि आप अपने वर्क स्पेस में एक्टिव रहें, अपने ऑफिस या घर में कोई ना कोई मूवमेंट रखें। लिफ्ट लेने के बजाय स्टेयर्स चढ़िए। अगर ऑफिस और घर का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो साइकिल यूज करिए। एक्टिव रहने से आपका बॉडी में फैट कम होता है। आपका बॉडी फैट जितना कम होगा उतना यंग और एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी ये बताता है कि दुनिया के 27% अडल्ट्स और 81% एडोलेसेंट्स बिल्कुल इनएक्टिव हैं। वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। तो बिना फिजिकल एक्टिविटी के हम जवान नहीं दिख सकते। शाहरुख खान के लिए बोला जाता है कि वो एनर्जी के तूफान हैं। अपने सेट पर हर एक काम खुद करते हैं, पूरी कास्ट एंड क्रू को हर वक्त मोटिवेटेड रखते हैं, उनके लिए मिसाल बने रहते हैं, इसीलिए वो आज भी जवान है। चौथा और बहुत बड़ा सीक्रेट है
इंटरमिटेंट फास्टिंग। वैसे इस टॉपिक पे हमारा एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, पर आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ कि ये होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 8 घंटे के अंदर अपने पूरे दिन के मील्स कंप्लीट कर लेते हैं और अगले 16 घंटे आप कुछ भी नहीं खाते। इसके दो मेन बेनिफिट्स होते हैं। पहला है सेल ऑटोफेजी, मतलब जब 16 घंटे आपकी बॉडी भूखी होती है तो अपनी बॉडी के अंदर बीमार और बूढ़े सेल्स को खाने लगती है। ये पुराने सेल्स आपकी बॉडी को वीक और इम्यूनिटी सिस्टम को कोलैप्स कर रहे होते हैं। इनफैक्ट काफी केसेस में ये सेल्स कैंसर भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो जब आपकी बॉडी पुराने सेल्स को कंज्यूम कर लेती है तो सिर्फ फ्रेश और हेल्दी सेल्स ही बचते हैं। इस प्रोसेस से सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं बाकी सारे ऑर्गन्स रीबूट हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा बेनिफिट है ग्रोथ हार्मोन, जिसे HGH भी कहते हैं। HGH आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन माना जाता है। ये आपको यंग रखता है और बॉडी को रिपेयर और रिकवर करता है। 35 की एज के बाद HGH बॉडी में कम क्वांटिटी में बनने लगता है। इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लोग एक्सरसाइजिंग और फास्टिंग करते हैं एंड एज अ रिजल्ट यंग दिखते हैं। यंग रहने के लिए पांचवा सीक्रेट है पूरी नींद लेना और सीधा सोना। नींद में हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। आपके ब्रेन, आंखें और सारे ऑर्गन्स को आराम मिलता है। मिनिमम 6-8 hours की नींद हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी होती है। कुछ लोग जिनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है वो 5 घंटे में ही अपनी नींद की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, जैसे हमारे शाहरुख भाई साहब। सीधे सोने से मतलब है आपका हेड रूफ की तरफ पॉइंटेड हो, इससे आपके फेस पर क्रीज नहीं पड़ती है। जब आप अपने लेफ्ट या अपने राइट साइड की तरफ सोते हैं तो आपकी स्किन में क्रीज पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिससे रिंकल्स और एजिंग वक्त से पहले आ जाते हैं। फिर 6th सीक्रेट है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। आपके लिए जरूरी है कि आप पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में पिए। आपकी स्किन को बेस्ट दिखने के लिए 2-4 liters पानी की जरूरत होती है। इससे आपकी बॉडी में किडनी स्टोन्स नहीं बनते और आपकी स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रहती है। आपकी स्किन जितनी सॉफ्ट, रिंकल्स उतने कम। 7th सीक्रेट है से नो टू शुगर, नो टू एसिडिटी। सुनाई नहीं दिया? शुगर मीठा बंद करना पड़ेगा? बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। शुगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह आपको मोटा बनाती है, इंसुलिन स्पाइक करती है, एसिडिटी बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, डायबिटिक बनाती है, जिससे आगे जाकर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक हो सकता है। इवन बहुत सारे कैंसर्स के लिए शुगर उसका फेवरेट फूड होता है और एक एसिडिक एनवायरनमेंट उसका प्लेग्राउंड। तो चीनी के इस बलिदान से आपकी एसिडिटी कम रहेगी, आप हेल्दी दिखेंगे और यंग रहेंगे। 8th सीक्रेट है मेंटली डिस्ट्रेस्ड रहना। मेंटल टेंशन आपकी एजिंग प्रोसेस में आग में घी डालने का काम करती है। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर सब बढ़ता है और क्रॉनिक हार्ट डिजीज का प्लेग्राउंड बन जाता है। आप मेडिटेट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए और सबसे जरूरी होप यानी उम्मीद मत खोइए। दुनिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसका सलूशन ना हो। अब 9th सीक्रेट मेरा फेवरेट है, अपनी रोज की चाय या कॉफी को ग्रीन टी से रिप्लेस कर दिए। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है। ग्रीन टी में EGCG होता है, जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपकी एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, कैंसर सेल्स को भी मारता है। ग्रीन टी में एक छोटे अमाउंट में कैफीन भी होती है, जो आपको एक एनर्जी का किक देती है। क्या मतलब? टेस्ट अच्छा नहीं होता, करेले और नीम के जूस के सामने तो अमृत ही है, पी लो चुपचाप। 10th सीक्रेट है स्मोकिंग और अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये दोनों शौक आपकी एजिंग प्रोसेस को रॉकेट लगा देते हैं। आप दिन दुगनी और रात चौगनी स्पीड से बुड्ढे होने लगते हैं। स्मोकिंग आपके लंग्स और हार्ट को खराब करती है, वहीं अल्कोहल आपकी किडनीज और लिवर को डैमेज करती है। इसके साथ साथ दोनों एक्टिविटीज आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बढ़ाती हैं। ब्लूम एंड इवॉल्व एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर बात अनबायस तरीके से आपके सामने रखें। तो बस यही एक डिपार्टमेंट है जहां शाहरुख साहब की फीस माफ है। मीडिया ये बताती है कि वो काफी ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। अगर शाहरुख खान या उनकी टीम ये वीडियो देख रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम आपको सालों साल यंग और फिट देखना चाहते हैं। अपने लिए नहीं तो अपने फैंस के लिए प्लीज स्मोकिंग गिव अप कर दीजिए।
On that note, I hope you loved today's episode. I am sure आप यंग और कॉन्फिडेंट महसूस करके अपने अंदर के 2.0 वर्जन को अनलॉक करेंगे और सक्सेस की नई डेफिनेशन लिख देंगे। अगर आपको आज का कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Until next time, bloom and evolve.